जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक हैं? आपको पता है आज से हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम शुरू करेंगे क्या? व्याकरण परिचय। हाँ, हम लोग का ये इस समय का जो होता है चैत्र महीना, जो अप्रैल आप लोग बोलते हैं, यहाँ आज से हमारा नौ वर्ष शुरू होता है। और आज नवरात्र का पहला दिन है, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ धूप में बाहर ना निकलें, बाहर लू चल रहा है, फीवर हो सकता है। हमको अपने घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, ठीक। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम बोल तो देती हैं लेकिन चेक नहीं कर रहे हैं, तो टू डेज से हम नहीं चेक कर पा रहे थे, लेकिन आज से हम सबकी कॉपियाँ चेक करेंगे। देखिए यहाँ दिखा रहा है क्या? व्याकरण परिचय वेदिका पाठ कक्षा एक। ये आपकी क्या है? व्याकरण की जो है पुस्तक, वो है ये आपकी व्याकरण की पुस्तक। व्याकरण परिचय दिया हुआ है, तो ये आपका व्याकरण का है कक्षा एक का। आप सब बच्चे ये वाली पुस्तक निकालिए, ये वाली पुस्तक अगर आप लोगों ने, जिन बच्चों ने पुस्तक खरीदी है वो निकाली, और हाँ जिन बच्चों ने नहीं खरीदी है वो बच्चे भी खरीद ले, ताकि आपको और जैसे वीडियो के थ्रू हम बताएं और आपको बुक रहा तो और जल्दी आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, समझ में आएंगी। तो आइए हम लोग चलते हैं, आप पाठ कक्षा एक का जो है व्याकरण का पाठ एक क्या दिया है आइए देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए भाषा और वर्ण, मतलब पाठ एक हमारा क्या दिया है? भाषा और वर्ण। हाँ हाँ, ये वाली पुस्तक पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है क्या? भाषा और वर्ण। चित्र देखिए और समझिए। ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, मेघा गाना गा रही है, ठीक। इस चित्र को आप देखिए कि ये कौन है? मेघा है, और ये देखिए गाना गा रही है। सभी छात्र लिख रहे हैं, ये जो अध्यापिका लिखवा रही है, तो ये सारे छात्र क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तीसरा चित्र क्या कह रहा है? ये क्या है? माँ बच्चों को चुप रहने की इशारा कर रही है। देखिए इशारा कर रही है ना, बच्चे ये शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो ये माँ कैसा इशारा कर रही है? चुप रहने के लिए। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में हमने देखा मेघा गाना गा रही है। अभी हम लोग देखे हैं ना कि मेघा गाना गा रही है, और कक्षा में छात्र अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहे हैं, ये वाला चित्र जो ऊपर वाला है। ये सभी इस तरह से अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्य के लिए हमें इनके द्वारा प्रयोग किया गया साधन ही भाषा है। मतलब जो ये काम कर रहे हैं, देखिए इस कार्य के लिए इनके द्वारा प्रयोग किया गया साधन ही क्या है? भाषा है। अब जैसे मम्मी इशारा कर रही हैं, तो जो वो इशारा कर रही, वो भी तो एक भाषा है चुप रहने की, चुप हो जाओ बोल के नहीं, इशारा करके वो समझा रही हैं। फिर है कि बच्चे लिख रहे हैं, तो बच्चे हम क्लास में आते हैं तो सब बच्चों को देख रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कक्षा में, तो अगर हमसे पूछेगा कोई कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया ना कि वो लिख रहे हैं, तो आपने भी एक भाषा का इशारा किया। और मेघा गाना गा रही है, वो तो कुछ कह नहीं रही, लेकिन हम जानते हैं कि मेघा क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो वही हमारी क्या है? भाषा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार, मतलब यहाँ पे इतने सारे बातों को समझाया तो है, लेकिन इसको छोटा करके लिखा है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमको अगर पानी मांगना है तो आंटी को बॉटल देते तो आंटी तो समझ जाएंगे कि पानी लाना है, तो समझ गई ना, आपने अपनी बात क्या की? उनको पहुंचा दी, उनसे बता दी कि हमको पानी पीना है, इसका मतलब।
तो वही हो रहा है कि अपनी बात दूसरों तक, अगर आपको पानी लेना है या पानी लेके आप पी रहे हैं, तो आप अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि उस बच्चे को प्यास लगी, वो पानी पी रहा है। आपकी बात हमारे तक पहुँच जा रही है, दूसरे तक पहुँच जा रही है, उसी पहुँचने के पहुँचाने के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मुख्यतः भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। ठीक, कौन कौन सी भाषा है, आइए देखते हैं पेज नंबर 6 पे क्या दिया है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप इतना ही बस बताएंगे कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने प्रकार होते हैं, हम दो प्रकार, भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। पहला क्या है, पेज नंबर 6 पे देखेंगे, आइए देखते हैं। पहला हम दो प्रकार से करते हैं भाषा का, कौन कौन सा, पहला हम करते हैं बोलकर। अगर हमको पानी लेना है तो मम्मी पानी दीजिए, तो हमने बोला, तो अब मेरी बात मेरी मम्मी समझ चुकी हैं, तो इसका मतलब जो भाषा का प्रयोग हुआ वो हम बोलकर करते हैं। अगर हमको कुछ बोलने में डर लग रहा है किसी से, जैसे मान लीजिए आप छुट्टी लेते हैं स्कूलों में, तो आप लोग को मैम बोलती होंगी कि अप्लीकेशन क्यों नहीं जमा किए, तो वो आपका अप्लीकेशन किस में होता है, जो प्रार्थना पत्र होता है वो किस में होता है, लिख के होता है, लिख के मतलब कहा, अगर आप अप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको फीवर है और आपको लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो उस लिख के द्वारा हमें पता चला आपकी भाषा को, आपकी बातों को मैंने समझा, तो वो भी तो एक माध्यम हुआ लिखित भाषा से। मौखिक भाषा जो बोलकर बोले उसे मौखिक मुँह से बोलते हैं, और जो लिख के हाथ से लिख के, जैसे बोलने में हम मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, जैसे ये डॉगी को ये बुला रहा है तो मुंह से ही तो बोलना है कि आ आ, या किसी को रोकना है तो ए रुको, ए राधिका रुको, ठीक, ए शिल्पा रुको, जैसे बुला रही है ये देखिए, ये मुंह से ही तो बोल रही है, जैसे जैसे देखिए, सॉरी यहाँ पे दिया है वर्ड, ये दूसरा चीज़ है, अब यहाँ देखिए वो बदल गया है। भाषा का कितने प्रकार है, मुख्यतः दो, बोलकर और लिखकर। ठीक, तो आज इतना ही समझिए, वर्ड हम कल समझाएंगे। भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बोलकर और लिखकर। आप मुझे इसका वीडियो बना के सुनाइए, बुक रीडिंग भी करिए, वर्ड आपको कल पढ़ाएंगे। आज इतना ही, हाँ होमवर्क ज़रूर सेंड करिएगा वीडियो बना के बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।